our standards third. So students, we will teach lesson number 6, imperative sentence. तो स्टूडेंट्स आज हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानकर लेंगे, जिसमें कमांड सेंटेंस होता है, रिक्वेस्ट सेंटेंस होता है और सजेस्टिव सेंटेंस होता है। तो चलिए देखते हैं। हेलो सो स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक्स ऑन पेज नंबर 42। देयर आर 6 नंबर्स लेसन इम्परेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट रिक्वेस्ट कमांड्स मीन्स ऑर्डर और ए सजेशन मीन्स एडवाइस सम एक्शन इज अ कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में हमें रिक्वेस्ट कमांड्स या सजेस्ट किया जाता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड विथ ए फुल स्टॉप। तो बिग जब भी वो इम्परेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं या लिखा जाता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है प्लीज शट द डोर। यहाँ पे देखो प्लीज कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है या रिक्वेस्ट दी है। शट द डोर या सिर्फ हमने कहा है कि शट द डोर, डोर बंद कर दो, कमांड की है, आज्ञा की है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। यहाँ पे सजेस्ट किया है कि तुम्हें तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो देन यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, और तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन टाइम पे लेनी चाहिए। यहाँ पे भी सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है प्लीज स्विच ऑफ द फैन। यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि फैन को बंद कर दो। देन पे अटेंशन, यहाँ पे आज्ञा की है, ठीक है, कमांड दी है कि अटेंशन दो, ध्यान दो। ए कमांड सेंटेंस कैन बी चेंज इन टू अ रिक्वेस्ट सेंटेंस बाय एडिंग अ रिक्वेस्ट वर्ड लाइक अ प्लीज एंड काइंडली। जब हमें कमांड सेंटेंस को चेंज करना होता है रिक्वेस्ट सेंटेंस में, तब प्लीज और काइंडली वर्ड्स हमें ऐड करना पड़ता है शुरुआत में। फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डू नॉट मेक अ नॉइज, आवाज मत करो, कमांड सेंटेंस है, उसे रिक्वेस्ट में किया है। प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, डू नॉट कम, डोंट लिख सकते शॉर्ट में, रिक्वेस्ट की गई है। स्विच ऑफ द रेडियो, यहाँ पे कमांड है तो हम कहेंगे काइंडली स्विच ऑफ द रेडियो, ये रिक्वेस्ट सेंटेंस है। देन कम टू माई हाउस एट 5 o'clock, यह कमांड की गई है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज, प्लीज ऐड किया है कॉमा, कम टू माई हाउस एट 5 o'clock, रिक्वेस्ट की गई। इस तरह से हम जो है कमांड सेंटेंस को रिक्वेस्ट सेंटेंस में चेंज करते वक्त प्लीज और काइंडली वर्ड्स हम क्या करेंगे शुरुआत में यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है ए रिक्वेस्ट सेंटेंस और ए कमांड सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू अ सजेशन सेंटेंस बाय एडिंग अ सजेशन वर्ड लाइक अ शुड और मस्ट। जब हमें रिक्वेस्ट सेंटेंस या कमांड सेंटेंस को सजेशन सेंटेंस में चेंज करना होता है उस टाइम पे हमें शुड या मस्ट ऐड करना होता है शुरुआत में। जैसे फर्स्ट है कंसल्ट ए डेंटिस्ट, यहाँ कमांड की गई है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज कंसल्ट ए डेंटिस्ट, उसको सजेस्ट किया गया है यू शुड कंसल्ट अ डेंटिस्ट। जब हमें सजेशन में सेंटेंस चेंज करना हो उस टाइम पे यू दे, ठीक है, और वी ये वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम, क्लासरूम में आवाज मत करो, ये कमांड की गई है, उसे रिक्वेस्ट में करेंगे हम प्लीज ऐड करेंगे प्लीज डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम, ठीक है, और सजेस्ट करते वक्त यू शुड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम, ऐसे हम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी दी। तो स्टूडेंट्स ये जो है लेसन आपको अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड कर लेना है इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, कमांड सेंटेंस को किस तरह रिक्वेस्ट सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, या रिक्वेस्ट और कमांड सेंटेंस को हम किस तरह से सजेशन सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं आपको अंडरस्टैंड कर लेना है। देन इस पर जो एक्सरसाइज दी गई है वो आपको इंग्लिश ग्रामर के नोटबुक में सॉल्व करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए रिक्वेस्ट सेंटेंस फॉर द गिवन ऑर्डर सेंटेंस। यहाँ पे ऑर्डर सेंटेंस हमें दिए गए हैं, एक रिक्वेस्ट सेंटेंस लिखने हैं। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, फर्स्ट हमें करके दिया है। फर्स्ट है कम हियर, तो उसको रिक्वेस्ट सेंटेंस में लिखा है प्लीज, वर्ड ऐड किया है प्लीज कम हियर। ओके नेक्स्ट कॉल हिम इमीडिएटली, ओके, या हम जब रिक्वेस्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं तो प्लीज या काइंडली वर्ड हमें शुरुआत में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम कहेंगे प्लीज कॉल हिम इमीडिएटली, यहाँ पे आपको लिखना है प्लीज पी कैपिटल कॉमा कॉल हिम इमीडिएटली फुल स्टॉप, कॉल का सी स्मॉल होना चाहिए। नेक्स्ट डू नॉट गेट वेट इन द रेन, तो यहाँ पे हम कहेंगे प्लीज डू नॉट गेट वेट इन द रेन फुल स्टॉप। ओके नेक्स्ट प्रे टू गॉड है तो हम यहाँ पे कहेंगे काइंडली कॉमा प्रे टू गॉड, पी स्मॉल होना चाहिए, काइंडली से या प्लीज से हम शुरुआत करते हैं इसलिए फर्स्ट लेटर पी या के हो तो कैपिटल लिखना है, बाकी के सभी स्मॉल होना चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट डू नॉट प्ले ऑन द रोड, तो यहाँ पे हम कहेंगे प्लीज कॉमा डू नॉट प्ले ऑन द रोड, ऐसे आपको आंसर में लिखना है।
नेक्स्ट डू नॉट हिट द डॉग्स, तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है प्लीज डू नॉट हिट द डॉग या डोंट हिट द डॉग्स, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट कीप द क्लासरूम क्लीन एंड टाइडी, तो यहाँ पे हमें लिखना है प्लीज कीप द क्लासरूम क्लीन एंड टाइडी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक, यहाँ पे आपको लिखना है काइंडली कॉमा ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक। नेक्स्ट नेवर रिबुक एनीवन, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लीज नेवर रिबुक एनीवन, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आप रिक्वेस्ट सेंटेंस करोगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, प्लीज या काइंडली के बाद आपको कॉमा देना है, लास्ट में फुल स्टॉप देना है सेंटेंस में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी, देखिए नेक्स्ट है राइट कमान सेंटेंसेस फॉर द गिवन रिक्वेस्ट सेंटेंसेस। अभी यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट सेंटेंस दिए गए हैं, उसके कमान सेंटेंस लिखने हैं। फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, एक हमें करके दिया गया है। फर्स्ट है काइंडली क्लोज द विंडो, यहाँ पे जब हम कमान सेंटेंस में रिक्वेस्ट सेंटेंस को ट्रांसफर करते हैं तो काइंडली प्लीज ए वर्ड्स हम क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे, रिमूव कर देंगे कमांड सेंटेंस बनाते वक्त। ओके तो देखिए यहाँ पे हमने काइंडली रिमूव कर दिया, क्लोज द विंडो लिखा, तो उस टाइम पे फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके नेक्स्ट प्लीज कम हियर, प्लीज को हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे आपको लिखना है कम हियर फुल स्टॉप, कम हियर का सी कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज ब्रिंग द बॉल हियर, तो यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ ब्रिंग द बॉल हियर फुल स्टॉप। नेक्स्ट काइंडली इन्फॉर्म हिम अबाउट द एग्जामिनेशन, ओके तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंटेंस सॉरी कमांड सेंटेंस बनाते वक्त लिखना है इन्फॉर्म हिम अबाउट द एग्जामिनेशन, लास्ट में फुल स्टॉप, इन्फॉर्म का आई एम कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज कॉल यूअर मदर, ओके तो यहाँ आपको आंसर में लिखना है कॉल यूअर मदर, सी कैपिटल होना चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट वॉश प्लीज वॉश माई क्लोथ, प्लीज को रिमूव कर देंगे, वॉश माई क्लोथ क्लोथेस फुल स्टॉप, डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए वॉश का। नेक्स्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, प्लीज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग है तो प्लीज को रिमूव कर देंगे, आंसर में आपको लिखना है कैपिटल जी होना चाहिए गेट अप का, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट प्लीज ओपन द बुक, तो यहाँ पे प्लीज रिमूव कर देंगे, आंसर में आपको कमांड सेंटेंस में लिखना है ओपन द बुक, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी कोई सेंटेंस आप लिखते हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके नेक्स्ट है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है राइट ए सजेशन सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द कमांड सेंटेंसेस, यहाँ पे हमें कमांड सेंटेंस दिए गए हैं, उसके सजेशन सेंटेंस लिखने हैं। यू विल नीड टू ऐड अ प्रोनाउन लाइक यू दे और वी एज अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमें प्रोनाउन ऐड करने हैं शुरुआत में, जैसे यू दे वी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, एक हमें करके दिया गया है। फर्स्ट है कम हियर, तो यहाँ पे हम सजेशन सेंटेंस बनाएंगे यू शुड कम हियर फुल स्टॉप, ठीक है। यू दे वी हम इस्तेमाल करेंगे, साथ में शुड या मस्ट वर्ड भी हम इस्तेमाल करते हैं सजेशन सेंटेंस बनाते हुए। ओके डोंट ड्रॉप द गार्बेज इन द गार्डन, तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है दे शुड नॉट ड्रॉप द गार्बेज इन द गार्डन फुल स्टॉप। नेक्स्ट कम टू द क्लास इन ए प्रॉपर यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है यू शुड कम टू द क्लासरूम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट डू नॉट गो इन द सन, तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है वी शुड नॉट गो इन द सन। नेक्स्ट डू नॉट स्पीक हार्श वर्ड, तो यहाँ पे आपको लिखना है यू शुड नॉट स्पीक हार्श वर्ड फुल स्टॉप। नेक्स्ट डू नॉट पुश मी, तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है यू शुड नॉट पुश मी लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट डू नॉट टेक वाइन, तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है वी शुड नॉट टेक वाइन लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट डू नॉट इंसल्ट अ बेगर, तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है यू शुड नॉट इंसल्ट अ बेगर लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ भी आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है एंड लास्ट में फुल स्टॉप देना है। तो इस तरह से एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करनी है, साथ में आपके नोटबुक में भी सॉल्व करके उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी ली है। तो उससे पहले जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे उससे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी है आपके ग्रामर के नोटबुक में, दो एग्जांपल लिखने हैं, साथ में ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है दो एग्जांपल, और ये इन्फॉर्मेशन दो तीन एग्जांपल आप लिख सकते हो।
ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको सॉल्व करना है लेसन, इसके एक्सरसाइज, देन उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं. ओके, सो नाउ आई एम स्टॉप हियर. थैंक यू.